जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को राज्य के बुजुर्गों को मिलने वाली सामान्य राशि बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अपने उत्तर के दौरान सामान्य पेंशन को 25 रुपए से बढ़ाकर 28 रुपए तक कर सकते हैं। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले वृद्धाओं की पेंशन महंगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ाने तथा उसकी सहयोगी पार्टी जसपा ने 5100 रुपए करने का वादा तो किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुछ कल्याण योजना भी चलाई जाती है। विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के दुष्कर्म पीड़िताओं को दी जाने वाली 1 लाख की आर्थिक मदद को बढ़ाकर 5 लाख करने की भी सिफारिश की हुई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को जसपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन छिन्नो देवी के घर जाकर जलपान के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन की उम्र 60 साल से घटाकर 55 वर्ष करने और आदि कुछ समय लगेगा। इस बारे में दोनों पार्टी आपस में बैठकर निर्णय लेंगे। वहीं नरनौंद बाईपास के निर्माण के लिए लगभग सभी बाधाएं पूरी हो चुकी हैं। झांसी जिंदवाया और नरनौंद रेलवे लाइन की IDR जो लगभग 1 वर्ष में पूरी हुई है, उसे सरकार जल्द ही परमिशन दे देगी और इन दोनों का निर्णय कार्य शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ। हमारे वीडियो को तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।